नहीं बैठेगा, ये हाँ तंदी में यमकन नजर भी नहीं आएगा, नहीं आते हैं इतना ही ये कबूतरों का क्वालिटी है, क्वालिटी और परवाज है और ये माशाल्लाह। कबूतर हर उस्ताद का अपना अपना है। हाँ यानी ये कबूतर अगर अच्छा कलारी के पास हाथ में लगेगा यमकन 4-5 बजे से कम थी नीचे नहीं आएगा ये कबूतर, अनाड़ी के हाथ में लगेगा, घंटा भी नहीं उड़ेगा, घंटा भी नहीं उड़ेगा। तो वही बात है ना अरे। वेलकम टू अजमान फ्यूजन करा, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त आरव, एक नए वीडियो के साथ दोस्तों हाजिर हूँ। जी दोस्तों, हमारे साथ हैं उस्ताद अली अमीरी, इनके साथ आए तो माशाल्लाह इनका शौक़ माशाल्लाह पहले भी दिखाएं, लेकिन कुछ कुछ कबूतर हमें माशाल्लाह नायाब बहुत ही लगते हैं, तो उनका शौक़ ज़रूर आप लोगों को कराते हैं, तो उसके हवाले से आज बात करते हैं। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम आरव भाई, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आपके हाथ में कबूतर उस्ताद जी, इसके हवाले से कुछ बता दें। माशाल्लाह बहुत ही नायाब कबूतर है आपके हाथ में, तो ये कौन सा ब्रीड है उस्ताद जी? वाला आरफ भाई वेलकम है भाइयों के लिए। वाला आरफ भाई ये तेजी कबूतर है, ये तेजी माशाल्लाह तेजी कबूतर है, ये 7 लंबर और 8 लंबर दोनों का तेजियों में क्रॉस है, ठीक है, 7 और 8 लंबर और 8 लंबर में, हाँ तो ये बना हुआ है माशाल्लाह। उस्ताद जी इसके आँख पर माशाल्लाह बहुत ही नायाब है, ताकि हमारे देखने वाले देखें माशाला, तो माशाल्लाह अभी आप लोग को दिखाते हैं इसके पर, देखो माशाल्लाह आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितने नायाब कबूतर है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह पर है कबूतर का, शौक करे दोस्तों आप लोगों, माशाल्लाह 7 और 8 नंबर टेरी क्रॉस से बना हुआ कबूतर है माशाल्लाह। ये कबूतर का आँख सर जी, इसके माशाल्लाह अभी आगे बच्चे उड़ रहे हैं या ये खुद उड़ा हुआ है? ये अभी खुद बच्चे वाला आरफ भाई, ये अभी हम इनको अभी आगे बना रहे हैं, आगे बना रहे हैं इनको। 7 और 8 लंबर का जब जोड़ा लगाया माशाल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह। देखो आरफ भाई कुंदा कबूतर का देखो माशाल्लाह कैसा, बहुत ही जबरदस्त, मैं बोल रहा हूँ मैं देख रहा हूँ ना माशाल्लाह, तुम खुद देखो माशाल्लाह कैसा निकला हुआ है, निकला हुआ है। और इधर जो हम लोगों का मौसम है यूही का तेजी तेजी होता है, दूसरा कबूतर इधर इतना काम नहीं करते जितना यानी तेजी कबूतर। इसके पंजों का भी शौक करा है, ये माशाल्लाह पंजे है कबूतर का, देखो इतना बारीक पंजा है माशाल्लाह, देखो शौक करे दोस्तों। आंख तो माशाल्लाह हमने शौक किया था, ये पूरा कबूतर है पूरा माशाल्लाह, देखें इसके कुंदा भी आप लोग को दिखाया और इसका ये पत्ता धोवे देखो माशाल्लाह, देखें ये भी देखें माशाल्लाह, ठीक है ये क्वालिटी तेजी का, ये क्वालिटी है, क्वालिटी है जी। ये जो साइज भी माशाल्लाह देखो इसका आरफ भाई, जो वाला पुराना तेजी था अभी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जमाल का पास है, उस्ताद अहमद कंबर का पास है, खमेरियों का पास है, सबका पास माशाल्लाह, हर एक के पुराना पुराना कबूतर सबका पास है माशाल्लाह। वो यानी जो पुराना करारी है सब अपना पास कुछ लाजम रखा हुआ है, जो पुराना तेजियों में आरफ भाई ये कबूतर है, ये पुराना तेजियों में, ये पुराना तेजी, ये पुराना यानी काला नोक पंजा बिल्कुल बारीक, एक तिल देखो माशाल्लाह, एक यानी एक क्या मैं ये, और ये माशाल्लाह देखो उसका ये कबूतर माशाल्लाह ये पुराना कबूतरों में से, ये इनका परवाज आरफ भाई वाला खलास है, हम छतों में देखा हुआ है और हमारा पास इधर उस्तादों का पास भी देखा हुआ, ये माशाल्लाह ये तेजी होता है माशाल्लाह 3-4-5 तो इनका खुद का परवाज है। जी जी मैंने अक्सर ये भी देखा, देखो आप टेडी भी आपस में लगाओ माशाल्लाह उठता है, खुद का परवाज है, दूसरे से भी क्रॉस करो उठता है, यानी आरफ भाई वाला तुम हमारा भाई है वल्ला, ये कबूतरों को नुस्खा देने का जरूरत ही नहीं है वल्ला, जब तक तुम्हारा कबूतर ऊपर है ये कबूतरों का सर का ऊपर निकलता है माशाल्लाह, इतना माशाल्लाह ये कबूतर इनका परवाज है माशाल्लाह। सही, हम हमेशा यही कहते हैं कि नए शौकीनों को कि अच्छे कबूतर रखो, नुस्खों के पीछे नहीं भागो। और आरफ भाई वल्ला ये कबूतर अगर तुम कत भी करेगा ना ये तंदी में नहीं बैठेगा, ये तंदी में यूं के नजर भी नहीं आएगा, नहीं आते, इतना ही ये कबूतरों का क्वालिटी है, क्वालिटी और परवाज है और ये कबूतर हर उस्ताद का अपना अपना है। हाँ यानी ये कबूतर अगर अच्छा कलारी के पास हाथ में लगेगा इनके 4-5 बजे से कम थी नीचे नहीं आएगा ये कबूतर, अनाड़ी के हाथ में लगेगा, घंटा भी नहीं उड़ेगा, घंटा भी नहीं उड़ेगा। तो वही बात है ना अरे भाई, यही ना अभी बहुत से देखो लोगों के पास कबूतर गए किसी के ना तो कहते हैं नहीं उड़ता है, मेरे भाई शायद आप नहीं उड़ा सकते, सही बात है, देखो फन भी होना चाहिए आपको उड़ाने का, ये नहीं कि बस डंडा मार दिया गया, ये तो नहीं है, ये ना बात है ना आरफ भाई, सही है ना, आपको भी तरीका आना चाहिए कि कबूतर को कैसे दाना पानी करना है, क्या करना है, किस तरीके से उड़ाना है, कब निकालना है, ये भी चीजें आपको, ये चीज लाजम, ये सब चीज लाजम, यानी आदमी सीखना मानता है, जब आदमी खुद ये चीज नहीं करेगा ना नहीं सीखेगा, नहीं बोलो हम जाएगा उस्ताद को पकड़ेगा, उस्ताद को मस्का पॉलिश लगाएगा, उस्ताद को ये करेगा, उस्ताद तुमको क्या सिखाएगा, जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा
لازم پریکٹیکل کرنا چاہیے ہر چیز کا لازم کرنا منتا آدمی ہے غلطی کرو مشکل نہیں ہے غلطی سے آدمی سیکھ جاتا ہے صحیح بات ہے نہیں ہے ہاں غلطی کرو ہم لوگ استاد لوگ ہیں ابھی تک ہم لوگ غلطی کرتا ہے صحیح بات ہے سیدھے بات بولتا ہے کون سا استاد نہیں ابھی تک بولتے ہم لوگ غلطی نہیں کرتا ہے صحیح حقیقت تو ہر سال وہ چیمپئن نہیں ہے نہیں ہے صحیح بات ہے نہیں ہے ہاں اگر غلطی نہیں کرتا تھا ہر سال چیمپئن بن جاتا تھا صحیح بات ہے نہیں ہے یہ بات ہے غلطی کا وجہ سے تھوڑا پیچھے دو تین کبوتر اوپر سے نہیں آتا ہے یہ سب غلطی کا وجہ سے لیکن اس کو پورا شوق پتا ہے اس کو معلوم شوق پتا ہے اس کو لیکن پھر بھی تھوڑا بیچ میں تھوڑا کچھ ہو جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے لازم یہ بات ہے میرے بھائی لوگ جی دوستو ماشاءاللہ آپ لوگ کو شوق دکھایا ٹیڈی کا ماشاءاللہ سات اور آٹھ نمبر سے بنا ہوا ہے بہت ہی نایاب کبوتر ہے استاد جی آپ کا بہت بہت شکریہ نہیں نہیں ویلکم ہے تم لوگ آ رہے بھائی جی دوستو یہی تھا ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ لوگ کے لیے تو جاتے جاتے یہی کہیں گے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ ضرور کریں السلام علیکم بہت بہت شکریہ